हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आठवां नवरात्रि व्रत माता महागौरी पूजन, सुमुहूर्त मंत्र भोग रंग उपाय व्रत कथा और साथ ही जानेंगे कन्या पूजन कब करें, 29 या 30 को, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, नवरात्रि का प्रत्येक दिन बहुत ही शुभ और माँ को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना गया है। नवरात्रि का आठवां दिन दुर्गाष्टमी और महाअष्टमी के नाम से जाना जाता है। आठवें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा के आठवें रूप माता महागौरी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं अनुसार महागौरी आदि शक्ति की आठवीं शक्ति है। दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस साल दुर्गा अष्टमी शोभन योग में मनाई जाएगी। इस दिन किया गया कन्या पूजन और मां की आराधना से मनोकामना पूरी होगी। तो आइए जानते हैं दुर्गा अष्टमी व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। माता महागौरी स्वरूप। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा की आठवीं शक्ति माता महागौरी का वर्ण और वस्त्र सफेद रंग के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा और एक हाथ में त्रिशूल है। वहीं माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया हुआ है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। दोस्तों, माँ का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। अष्टमी तिथि पर विधि विधान से पूजा करने से माँ दुर्गा की कृपा से सुख समृद्धि यश कीर्ति विजय और आरोग्यता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं आठवां नवरात्रि तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी 29 मार्च दिन बुधवार को है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को शाम 7:02 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च को रात्रि 9:07 पर। पूजा का अमृत काल मुहूर्त होगा 29 मार्च की सुबह 9:02 से सुबह 10:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त होगा 29 मार्च सुबह 4:50 से सुबह 5:38 तक। शोभन योग होगा 28 मार्च की रात 11:35 से 30 मार्च प्रातः काल 12:12 तक। अब जानते हैं व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन सुबह स्नानादि के बाद मोर पंखी हरे रंग के वस्त्र धारण कर हाथों में जल लेकर पूजा व व्रत उपवास का संकल्प करें। सबसे पहले गणेश जी और देवी महागौरी व अन्य सभी देवी देवताओं का आवाहन कर पूजा आरंभ करें। देवी महागौरी का तिलक कर धूप दीप जला लें। दोस्तों, अब उनके प्रिय सफेद पुष्प फल सौभाग्य सूत्र चंदन रोली हल्दी सिंदूर सिंगार पिटारी पान दक्षिणा और खीर का नैवेद्य अर्पित करें। नवरात्रि के आठवें दिन माता रानी को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद अष्टमी व्रत कथा का पाठ करें और फिर देवी महागौरी के मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जाप करें। इसके बाद गणेश जी दुर्गा माँ और सभी देवी देवताओं की आरती कर लें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, इसलिए माँ की पूजा के बाद 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराएं। उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। दोस्तों, फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें ससम्मान विदा कर दें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ अम्बे आपकी मनोकामना को पूरा करेंगी। आइए जान लेते हैं कन्या पूजन कब करें। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रों की अष्टमी 29 मार्च को और नवमी 30 मार्च को है। ये दोनों ही तिथियां कन्या पूजन के लिए सर्वोत्तम होती हैं। इन दोनों ही तिथियों में से आप अपने अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं 29 मार्च अष्टमी को कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:38 तक। अमृत मुहूर्त होगा सुबह 9:02 से 10:49 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 से शाम 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 6:36 से 6:59 तक। अब जान लेते हैं 30 मार्च नवमी को कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:41 से सुबह 5:28 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:07 से दोपहर 12:55 तक। अमृत मुहूर्त होगा रात्रि 8:18 से रात्रि 10:06 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:30 से शाम 3:19 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 6:36 से 7 बजे तक। दोस्तों, महानवमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है, ऐसे में पूरा दिन कन्या पूजन के लिए अति शुभ रहेगा। आइए जान लेते हैं आठवीं नवरात्रि व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की और शिव जी को पति स्वरूप प्राप्त किया। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए जब माँ ने कठोर तपस्या की थी, तब उनका शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन अर्थात काला पड़ गया था। इसके
बाद स्वयं महादेव ने गंगाजल से माँ का शरीर धोया था, तब देवी महागौरी का शरीर गौर वर्ण का हो गया, तभी से देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। जय माता दी।